हेलो एवरीवन, मैं हूँ तमन्ना। आपका स्वागत है मेरे चैनल में। आज मैं बनाने जा रही हूँ चीको आइसक्रीम। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर मेरी रेसिपी आपको पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और साथ ही बेल आइकन पर जरूर क्लिक कीजिए ताकि मैं जब भी कोई नई रेसिपी अपलोड करूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। यहाँ पे मैंने आधा लीटर मिल्क लिया है जो फुल फैट मिल्क है। इसमें से मैंने कच्चा आधा कप पहले निकाल लिया है जो हम आगे यूज़ करेंगे और इसको हम गर्म करने के लिए रख देंगे। अब एक बाउल में 1.5 टेबल स्पून जेमिस पाउडर डालेंगे जो आइसक्रीम की वॉल्यूम को बढ़ाता है। जो आधा लीटर दूध में से 2 लीटर आइसक्रीम बनता है वो इसी के वजह से बनता है। 1.5 टेबल स्पून कॉर्नफ्लोर और 1/4 टीस्पून CMS पाउडर जो आइसक्रीम को जल्दी पिघलने से रोकता है। अब मैं इसमें आधा कप कच्चा दूध डाल दूंगी जो मैंने पहले निकाला था और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूंगी। अब दूध में उबाल आ गया है तो हमने जो अभी मिक्सर रेडी किया था वो इसमें डाल देंगे और इसे 1-2 मिनट ऐसे चलाते हुए हम पकाएंगे और गैस की फ्लेम मीडियम रखेंगे। करीब 2 मिनट के बाद अब हम इसमें शुगर डाल देंगे। यहाँ पे मैंने 3 टेबल स्पून शुगर डाले हैं। आप ज़्यादा मीठा खाना पसंद करते हो तो आप और थोड़ी डाल सकते हो। बाद में इसमें चीकू आएगा तो और थोड़ा ज़्यादा मीठा हो जाएगा, इसीलिए मैंने इसमें कम शुगर डाली है। अब हम इसे 2-3 मिनट के लिए पकने देंगे और इसे ऐसे चलाते रहिए ताकि वो नीचे बैठ ना जाए। यहाँ पे करीब 3 मिनट हो गए हैं तो देखिए इसकी कंसिस्टेंसी हमें ऐसी ही चाहिए। तो अब हम गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और इसे नॉर्मल होने देंगे। और बीच बीच में चलाते रहेंगे ताकि ऊपर मलाई ना जम जाए। अब यहाँ पे नॉर्मल हो गया है तो हम एक कंटेनर में भर के 7 से 8 घंटे के लिए फ्रीजर में रख देंगे। आठ घंटे बाद आइसक्रीम बेस बराबर जम गए हैं तो हम इसके छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे और इसके बड़े बर्तन में ट्रांसफर कर लेंगे। यहाँ पे मैंने स्टील का बर्तन यूज किया है, आप चाहे तो कांच का भी यूज कर सकते हो। अब हम इलेक्ट्रिक हैंड मिक्सर से विस्क कर लेंगे। पहले हम स्लो स्पीड पे विस्क करेंगे, धीरे धीरे इसकी स्पीड बढ़ाएंगे। अब जैसे जैसे इसको फेंटते जाएंगे वैसे वैसे ये वाइट होता जाएगा। ये देखिए अभी भी हैंड मिक्सर से गिर रहा है, मतलब अभी भी हमें इसे फेंटना है। बस ऐसे ही आप बीच बीच में देखते रहिए कि हैंड मिक्सर से गिर रहा है कि नहीं। इसको फेंटने में करीब 10 से 15 मिनट लगेगी। करीब 12 मिनट के बाद देखिए ये अभी हैंड मिक्सर से गिर नहीं रहा है, मतलब हो गया है। अब हम आधा कप दूध की मलाई डालेंगे और इसे मिक्स कर लेंगे। मलाई बराबर मिक्स हो गई है तो हम 1/2 टीस्पून वेनिला एसेंस डालेंगे और इसे भी मिक्स कर लेंगे। अभी हम 2 कप मैश किया हुआ चीकू डाल देंगे और इसे भी हम मिक्स कर लेंगे। इसको ज्यादा मत फेटिए, बस मिक्स कर लीजिए। आप चीकू को ब्लेंडर करके भी डाल सकते हो। इस मेथड से बहुत ही इजी, बहुत ही सस्ता और बहुत ही अच्छा आइसक्रीम बनता है। आप एक बार ज़रूर ट्राई करें और मुझे बताइए कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी।
अब सब बराबर मिक्स हो गया है तो हम एयर टाइट कंटेनर लेंगे और इसमें डाल देंगे और इसे 8 से 10 घंटे के लिए हम फ्रीजर में रख देंगे जमने के लिए। आप ओवरनाइट भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे ओवरनाइट ही रखा था। और अब हमारा चीकू आइसक्रीम रेडी है तो हम एक सर्विंग बाउल में निकाल लेंगे। अगर मेरी रेसिपी आपको यूजफुल लगी हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं फिर मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ।